हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्यूजीन माय स्टाइल। आज मकर संक्रांति के मौके पर हम बनाएंगे पीनट और तिल की चिक्की इन माय स्टाइल। ये बहुत ही डिलिशियस रेसिपी है, बहुत ही इजी बनती है। आप बस इसे देखिए और तुरंत बनाइए, बहुत ही टेस्टी। अक्सर ये हम संक्रांति के मौके पर बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं चिक्की बनाने की। यहाँ पे मैंने उड़न बोर्ड लिया है, इसके ऊपर हमने फॉइल रखा है। फॉइल को हम अच्छे से घी लगाकर ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास फॉइल अवेलेबल नहीं है तो आप उसे पॉलिथिन बैग के ऊपर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हम ले रहे हैं कढ़ाई। कढ़ाई में हम डालेंगे गुड़। ये चिक्की का गुड़ है, ये स्पेशली मिलता है चिक्की का गुड़। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी और इसे मेल्ट करेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमें इसे मेल्ट करना है, कंटिन्यू स्टर करते रहना है। देखिए गुड़ हमारा अच्छे से पिघल गया है, इसे इसी तरह से आप कंटिन्यू स्टर करते रहिए। देखिए बबल्स आना शुरू हो गए हैं। गुड़ हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आया है, तो हम इसे अभी चेक करेंगे। यहाँ पे मैंने बाउल में पानी लिया है, अब थोड़ा गुड़ हम इसमें डालेंगे और इसे कलेक्ट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें इसे मोल्ड करना है। इसे उठा लीजिए, ये देखिए अच्छी तरह से ये परफेक्ट हो गया है, राउंड हो गया इसका शेप। और जब हम इसे वो वाटी में डालेंगे तो इसका आवाज़ आएगा। तो आप देख सकते हैं ये एकदम परफेक्ट बन गया है। अब हम इसे साइड में निकाल लेते हैं, इसे एक बार स्टर करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे रोस्टेड पीनट्स। पहले हम एक कप पीनट्स डालेंगे, उसके बाद हम डालेंगे सेसमी, इसके बाद हम फिर से पीनट्स डालेंगे और इसे अब अच्छे तरह से मिक्स करेंगे ताकि पीनट और सेसमी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए गुड़ के साथ। फ्लेम को आप लो रखिए और इसे अच्छे तरह से मिक्स कीजिए। देखिए पीनट्स और तिल और हमारा गुड़ अच्छे से, तीनों अच्छे से मिक्स होने चाहिए। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इसी तरह से आपको बनाना है, बहुत ही इजी है, आप देख पा रहे हैं। अब हम इसे फॉइल में निकाल लेते हैं। जो फॉइल हमने ग्रीस किया है चिक्की के बैटर को, हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये बहुत ही गर्म है, आप सावधानी से कीजिए। हाथ को आप थोड़ा घी लगा लीजिएगा। अब हम इसे अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। ये प्रेस करते ही तुरंत हम इसके ऊपर रोल करेंगे, ये बहुत ही फास्ट करना है हमें। बिल्कुल हमें मिक्सचर को ठंडा होने नहीं देना है। देखिए इस तरह से हमें इसे रोल करना है, इसे हमें पतला बेलना है। आप इवनली सब तरफ से इसे रोल कर लीजिए। अब हम इसे एक नाइफ की मदद से इसे इस तरह से कट करेंगे, ये एकदम से हार्ड हो जाएगा तो इसके लिए वो ये कटेगा नहीं। तो इस तरह से हमें इसे एक कोई भी वजनदार वस्तु से पीटना है ताकि वो अच्छे से कट हो जाए। इसी तरह से हम कट करेंगे। अब हम इसे क्यूब्स में काट लेंगे, इसे टर्न कर लीजिए। अब इसे भी हम क्यूब्स में कट कर लेंगे। देखिए कितने कुरकुरे हो गए हैं, इमीडिएटली ये छूट जाएंगे फॉइल से। इसी तरह से आप चिक्की घर पे बना सकते हैं, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी टेक्निक से मैंने आपको दिखाया है। खाने में तो बहुत ही बढ़िया है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए ये कितने जल्दी फटाफट बन गए हैं। देखिए ये अब रेडी हो गए हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसे थोड़ी देर आप सूखने के लिए डाल दीजिए, नहीं तो ये चिपक जाएंगे, फिर आपको निकालने में तकलीफ होगी।
तो इसे एक प्लेट में फैला के रख दीजिए। ठंडा होने के बाद आप किसी भी कंटेनर में इसे भरकर रख सकते हैं। ये देखिए कितने कुरकुरे हो गए हैं हमारे चिक्की। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।